भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा पहले टेस्ट मैच का पहला दिन पहला सेशन पूरे तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा। शुरुआत में टीम इंडिया ने भले ही एक विकेट गवाया हो, लेकिन लंच के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने धमाकेदार वापसी की। आपको बता दें कि लंच के ठीक बाद 30वें ओवर में शुभमन गिल को काइल जेमिसन ने सीधा बोल्ड मारा। दरअसल काइल जेमिसन ने पिच को समझा कि गेंद पर असमतल उछाल है, सीधा अंदर आती हुई गेंद, शुभमन गिल गलत लाइन खेल बैठे और शानदार 93 गेंदों में 52 रन बनाकर जेमिसन का शिकार बने। 5 चौके और 1 छक्के से सजी अपनी इस पारी को शुभमन गिल और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए। काइल जेमिसन जिन्होंने भारत को पहला घाव दिया था, उन्होंने अचानक भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। बड़ी बात यह है कि अब शुभमन गिल के आउट होने के बाद भारतीय टीम पूरे तरीके से यहां पर सकपकाती हुई नजर आ रही है। कप्तान रहाणे से अब काफी ज्यादा उम्मीदें हैं टीम इंडिया को, ताकि भारतीय टीम थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन कर पाए। हालांकि भारत को अब एक बड़ी साझेदारी की जरूरत है, लेकिन एक बड़ा झटका टीम इंडिया को लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम इन झटकों से निकल कर आगे आती है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।